हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं एक इंटेक्स का मोबाइल है, मॉडल नंबर मुझे नहीं पता, और वैसे मॉडल नंबर जानना भी ज़रूरी नहीं क्योंकि इसमें जैक का काम है। तो जैक हर मोबाइल में बिल्कुल सेम सेम लगता है, तो आज मैं इसमें एक चार्जिंग जैक आपको डालना सिखाऊंगा। और उससे पहले इसको पावर ऑफ़ कर लेते हैं। पावर ऑफ़ करने के बाद इसके बैक कवर को हम अच्छी तरीके से ओपन कर लेते हैं। इसमें सारे स्क्रू हम इसको हटा देते हैं, उसके बाद दिखाते हैं। तो स्क्रू हटाने के बाद और मैंने बैटरी के पीछे की वाली पन्नी को हटा लिया है, बड़ा आसान है। उसके बाद एक कटर की मदद से या कुछ नुकीली चीज़ से आप इसके बैक पैनल को अच्छी तरीके से आप इसको खोल लीजिए। तो धीरे धीरे से आप इसको खोलिए क्योंकि एक टूटने वगैरह का इसमें खतरा आपको रहता है। तो उसको हमने खोल लिया है। पहला काम हमारा रहता है, पहले जैक को चेक कर लीजिए और देख लीजिए। उसके बाद हम इसके सॉकेट वगैरह रिमूव कर लेते हैं। पहला बैटरी का सॉकेट, क्योंकि इसमें करंट पास होना बंद हो जाएगा। उसके बाद हम डिस्प्ले का या नीचे वाले जो पैनल रहता है हमारा, स्पीकर वगैरह का, उसका हम इसमें पत्ता हटा लेंगे। और इसका वॉल्यूम का पत्ता भी हम रिमूव कर लेंगे। और सारे पत्ते रिमूव करने के बाद हम इसकी प्लेट को ओपन करेंगे, क्योंकि दोस्तों कहीं पर पत्ता अगर रह जाता है तो प्लेट उठाते समय पत्ते के कटने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। दो इसमें स्क्रू है, इसको भी हटा लीजिएगा। तो दोनों स्क्रू मैं हटा चुका हूँ। इसके बाद आप आसानी से इसकी आप इसको पीसीबी को या बोर्ड को आप इसको अच्छी तरीके से पहले, और हाँ, जैक हटाने के लिए आपको SMD या हॉट गन की ज़रूरत पड़ेगी। SMD की मदद से बड़ी आसानी से यह जैक निकल जाता है। आप PCB स्टैंड का यूज कर सकते हैं, मेरे पास वो नहीं है तो मैंने किसी एक हैवी मेटलिक चीज़ से इसको दबा दिया है। एक चिमटी की मदद से आप जैक को अच्छी तरीके से आप इसको पकड़ लीजिए और इसको हीट तब तक देते रहिए जब तक इसका रंगा पिघला ना जाए। तो थोड़ा सा इसमें पेस्ट का भी यूज़ कीजिए दोस्तों। अगर वीडियो आपको अगर अच्छी लगती है तो उसको लाइक कीजिए और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, मैं किसी भी चीज़ से संबंधित अलग अलग वीडियो आपको हमेशा बना के देता रहता हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको हर मेरी वीडियो पसंद आती होंगी, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो अब आते हैं टॉपिक पर। तो इसको हीट करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, वोल्टेज प्रॉब्लम है, हीटर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। तो इतना हीट मत कीजिए कि हीट इसकी IC तक पहुंचे और IC इसमें डैमेज हो जाए। तो हीट करने में बड़ी आप आसानी से इसको कीजिएगा। तो इसको हीट तब तक कीजिए जब तक आप दोस्तों वीडियो को आप चाहें स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसमें कट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हीट करने में मेरे को थोड़ा सा टाइम लग रहा है। और मैंने इसके बाद पुराने जैक निकालने के बाद इसका एक नया जैक मेरे पास पड़ा हुआ था, इस साइज का नहीं था, लेकिन मैं इसको इसमें अच्छी तरीके से इसमें सॉकेट में मैं फंसा लेता हूँ और इसको सोल्डर आयरन से अच्छी तरीके से मैं इसमें अच्छी तरह सोल्ड कर लेता हूँ। तो दोस्तों, आपके पास कोई भी मोबाइल हो तो हर मोबाइल के मॉडल नंबर के हिसाब से उसका जैक आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। तो इसको जैक मैं अच्छी तरह इसका फिट कर चुका हूँ। तो इसके जैक को फिट करने के बाद आप एक बार इसमें जो इसके कनेक्शन हैं उसके पीछे साइड से भी अच्छी तरह सोल्ड कर लीजिए। अगर आपको आदत है तो बड़े सोल्डर आयरन से आप इसको कर सकते हैं, वरना आप छोटी नोक वाले शोल्डर आयरन से इसको सोल्ड कर लीजिए। तो ये सोल्ड हो चुका है। अब मैं एक मल्टीमीटर की मदद से, जिसको हमने 20 वोल्ट की
बजर, सॉरी बजर मोड में इसको इसका हम पहले शॉर्ट तो नहीं है, यह हम चेक कर लेंगे। तो इसको अच्छी तरह चेक कर लीजिए, अगर आप कहीं पे शॉर्ट सर्किट लगता है तो दोबारा जैक को निकाल कर दोबारा से उसको लगा लीजिए। अब इसमें मल्टीमीटर को 20 वोल्ट डीसी वोल्ट की रेंज पर रखने के बाद इसका करंट आप इसका करंट चेक कर लीजिए। प्लस और माइनस में लगाने के बाद चार्जर से इसका करंट हम नापेंगे, तो इसका करंट बिल्कुल बढ़िया आ रहा है। अब मल्टीमीटर को हम सेट कर लेते हैं। अब बारी आती है इसको क्लीन करने की। एक क्लीनर की मदद से आप अच्छी तरीके से इसको, इसका सोल्डर पेस्ट वगैरह, इसका अच्छी तरीके से इसको ब्रश की मदद से आप साफ कर लीजिए। तो इसको अच्छी तरीके से क्लीन करने के बाद आप चेक कर लीजिए कहीं पर इसका पेस्ट फंसा तो नहीं है, और सॉकेट वगैरह में इसका पेस्ट कहीं पर लगा हो तो उसको अच्छी तरीके से आप क्लीन कर लीजिए। तो मैं इसको अच्छी तरीके से इसको क्लीन कर रहा हूँ, और अच्छी तरह इसको बोर्ड को हम चेक भी कर रहे हैं कि इसका कहीं दिक्कत, कहीं पेस्ट वगैरह फंसा तो नहीं है। तो क्योंकि बाद में दिक्कत होने की, अगर सॉकेट अगर लग जाता है तो फिर अच्छी तरह प्रॉपरली वर्क नहीं करता क्योंकि इसमें पेस्ट फंसा रहता है। तो मैं इसको क्लीन करने के बाद अच्छी तरीके से इसको चेक कर लेता हूँ। तो यह बिल्कुल बढ़िया तरीके से हमारा क्लीन भी हो चुका है, और अब इसको इसको फिटिंग करते हैं। जैसे आपने बिल्कुल एक एक नट बोल्ट, और जैसे जैसे आपने इसको सॉकेट वाइज आपने निकाला हुआ था उसी तरीके से आप इसको अच्छी तरीके से इसको फिट कर लीजिए। तो फिट करने में कहीं प्रॉब्लम ना हो, देख लीजिए सारे सॉकेट अच्छी तरह लगे हों, सारे पत्ते अच्छी तरह इसमें लगे हों। तो अगर कोई भी पत्ता अगर ढीला वगैरह रहता है तो आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। तो इसमें अच्छे तरीके से मैंने इसमें मदरबोर्ड को इसमें अच्छे तरीके से बैठा दिया है। अब इसके सारे पत्ते हम इसमें जो जो हमने टच का, वॉल्यूम का, और सारे हमारे डिस्प्ले के बैटरी के पत्ते थे वे हम बारी बारी से इसमें लगा लेंगे। तो सारे पत्ते हम लगा रहे हैं। आप इसमें अच्छी तरह चेक भी कर लीजिए कहीं पर आपको दिक्कत हो रही हो। दोस्तों ऑन करने से पहले आपका टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है, सारे सॉकेट पत्ते वगैरह सारे टेस्ट करने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर ढीला ढाला रहेगा तो स्पार्क क्रिएट होगा और आपको हो सकता है शॉर्ट सर्किट की प्रॉब्लम देखने को मिले, और डीसी का जो शॉर्ट सर्किट रहता है वो बड़ा डेंजरस रहता है, छोटे छोटे कंपोनेंट रहते हैं, जलने की बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो उसके सारे पत्ते मैंने लगा लिए, अब बैटरी का भी पत्ता इसमें लगा चुका हूँ। और अब बात आती है इसको इसको अच्छी तरीके से हम टेस्ट कर लेते हैं, और इसका पावर का बटन हम एक बार दबाते हैं तो हो सकता है या चार्ज नहीं हो। तो अच्छी तरीके से हमने इसमें तो फिटिंग तो अच्छी तरीके से, तो ये अभी ऑन हो नहीं रहा है। एक बार फिर से हम इसके अच्छी तरीके से सॉकेट चेक कर लेंगे। अब एक बार हम एक चार्जर सॉकेट की मदद से इसको हम करंट देखें, चेक कर लेंगे कि बैटरी चार्ज हो रही है कि नहीं। तो एक बार कुछ ऐसे भी हम चेक कर लेंगे, तो इससे कि जैक की टेस्टिंग भी हो जाती है और हमारा मोबाइल भी टेस्ट हो जाएगा। तो बैटरी या चार्ज इंडिकेटर दिखा रहा है, मोबाइल हमारा अच्छी तरीके से इसमें चार्ज हो रहा है, तो बैटरी भी चार्ज हो रही है और हमारा जैक प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो दोस्तों वीडियो में
अगर आपको कुछ समझ ना आए तो बिल्कुल कमेंट कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।